फ्रेंड्स, जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नया और इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट हुआ है विज्ञापन संख्या 5/2021, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि कुछ धमाका होने वाला है जेएसएससी में, तो यहाँ पे देख लीजिए धमाका में क्या आया है। तो देखिए, ये झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर के है, जिसमें से सीजीएल लेवल का है। तो ये आपके लिए जो है सचिवालय जो था उसी को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आज का डेट है वो 23/12/2021 है। तो यही है नया इंपॉर्टेंट अपडेट सीजीएल यानी कि सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के। देखिए, तो इसके बारे में पूरी अपडेट को मैं बताता हूँ, तो आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। तो देखिए, यहाँ पर जो है सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/1/2022 के 10 बजे पूर्वाहन से दिनांक 14/2/2022 की मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है डेट भी दे दिया गया है 15 जनवरी के 11 बजे दिन से लेकर के 14 फरवरी की मध्यरात्रि तक आपको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरणिका आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित अर्थानुसार अनुसूचना योग्यता तथा निर्धारण आयु सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ आपको मांगा जाएगा उसको आप भर के ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या कह रहा हूँ उसको देखते हैं। दिनांक 16/2/2022 के मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए दिनांक 18/2/2022 के मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पे जो है अपना ऑनलाइन हो जाने के बाद में 16 फरवरी की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान करना, साथ ही साथ फोटो हस्ताक्षर भी अपलोड कर देना है। और उसके बाद हमें प्रिंटआउट जो लेना है इसका फॉर्म का जो भर रहेंगे उसका है 18/2/2022 यानी कि 18 फरवरी की रात तक आपका ये लिंक उपलब्ध रहेगा। 19 तारीख का जो है 19 फरवरी को 11 बजे पूर्वाहन से दिनांक 21/2/2022 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः उपलब्ध कराई जाएगी लिंक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक में आपका जो है कुछ चेंजेस होगा उसमें से, लेकिन आपका अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपका चेंज नहीं होगा। बाद में जितने भी है उसको संशोधन करने के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा, ये आप देख सकते हैं। साथ साथ रिक्तियों की संख्या है अनुसूचना तत्संबंध विवरणिका में अंकित है, ये देखिए आप हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक का ये भी है। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि धमाका होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे हलचल हो रहा है। तो इसी कारण देखिए ये जो है सीजीएल का जो भी तैयारी कर रहे थे वे अब यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर देंगे। झारखंड के जितने भी चीज़ें हैं वो सब पढ़ते रहिए, हो सकता है यहाँ से बहुत जल्दी और कुछ ना कुछ नोटिस आएगा। तो देखिए ये आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या है 05/2021। तो यहाँ पर है जेएसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट है यही। तो इसको जो भी चीज़ें आगे की जानकारी क्या है, कितने पोस्ट हैं, वो सब सारी जानकारी को मैं आगे आप लोगों को जरूर बताऊँगा।